एसआई सुशील कुमार, सुशील कुमार, एसओ भगतपुर, एसओ भगतपुर। मुरादाबाद में सिविल लाइन स्थित कचहरी परिसर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से नेफा चौक के इंचार्ज सुशील कुमार पर कार्यवाही की मांग की। आपको बताते कि दरअसल मामला भगतपुर थाने का है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महानगर अध्यक्ष रवि चौधरी का आरोप है कि नेफा चौक के इंचार्ज सुशील कुमार राजकुमार से हमसाज होकर अमित कुमार की जमीन पर कब्जा करने हेतु आए दिन अमित कुमार को परेशान करने अमित कुमार की जमीन पर आते रहते हैं। उन्होंने बताया कि 23/12/2021 को अमित कुमार अपनी जमीन पर गेहूं बो रहा था, मगर 24/12/2021 को सुशील कुमार ने अपने सिपाहियों के साथ खेत पर आकर अमित कुमार को गेहूं बोने से रोक दिया और उसकी जबरन पिटाई करके उसके ट्रैक्टर को चौकी ले गए। रवि चौधरी का यह भी कहना है कि जब अपने ट्रैक्टर छुड़ाने के लिए चौकी पहुंचे तो वहां पर दरोगा ने उनसे 50,000 की मांग की, मगर दरोगा ने 30,000 में समझौता करके ट्रैक्टर छोड़ दिया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग है कि उक्त प्रकरण की किसी निष्पक्ष वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जांच कराई जाए और उक्त नेफा चौकी इंचार्ज पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। उनका कहना है कि अगर 3 दिन में कार्यवाही नहीं हुई तो उसके बाद IG कार्यालय पर धरना दिया जाएगा। प्रदर्शन करने वालों में रवि चौधरी, महानगर अध्यक्ष जसवीर सिंह, मनोज जैन, मनोज चौधरी, रोहित, मनीष जैन आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है भैया? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आज एसओ भगतपुर थाने में SI है सुशील कुमार उन्हें लेकर है। अभी 23 तारीख को दो पार्टियों को जमीनी विवाद चल रहा है, उनका मुकदमा सिविल में विचाराधीन है। किसान अपना खेत जोत रहा था, खेत जोतते जोतते पुलिस 23 तारीख को ना के 24 तारीख को आके किसान को ट्रैक्टर को थाने ले आता। मेरी सुशील कुमार से बात, एसओ साहब से बात हुई, मैंने कहा साहब किस यूनिट में लेकर आए हो? बोले साहब मुझे जानकारी नहीं, आप दरोगा से बात करो। हम दरोगा से मिलने गए, दरोगा से हमने कहा साहब क्या बात है? बोले जमीनी विवाद है, जमीनी विवाद तो उनका कोर्ट में विचारे दीजिए सिविल का, पुलिस का मैटर खत्म हो जाना चाहिए। तो बोले सब काम कोर्ट करेगी तो पुलिस किस लिए बैठी है? मैंने कहा ट्रैक्टर छोड़ने के लिए साहब ट्रैक्टर नहीं छोड़ा, अगर ट्रैक्टर मैंने जीवी में चढ़ा दिया है, मैं घर आ गया। उसके बाद साहब दरोगा जी का फ़ोन आता है किसान का, अमित कुमार का, बोला अगर तुम्हें अपना ट्रैक्टर छुड़ाना है तो किसी नेता के चक्कर में ना पड़कर 50,000 रुपये लेकर थाने आ जाओ, ट्रैक्टर छोड़ दिया जाओ। उन्होंने साहब मेरे पास 50,000 नहीं है, 30,000 में जाकर सौदा बनता है। 30,000 रुपये लेकर सुशील कुमार, उसमें एक सिपाही का विवेक, उन्होंने 30,000 रुपये किसान से लेकर जब ट्रैक्टर छोड़ा और दरोगा जी ने एक गलती कर दी, जो पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ वहाँ भगतपुर में पीपली गांव में वो है सागर कैफे, उस पर उन्होंने ट्रांसफ़र कराया, जबकि 10,000 रुपये किसान ने मुझसे उधार लिए, उसकी ट्रांजेक्शन रसीद मेरे पास है। जब तक दरोगा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और लाइन हाजिर नहीं होता है तब तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। 3 दिन का अल्टीमेट हमने कप्तान साहब को दिया है, 3 दिन मगर ये काम नहीं होता तो इसके लिए हम IG साहब के साथ भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा तो बैठेंगे, इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की। क्या नाम है आपको? रवि चौधरी, महानगर अध्यक्ष, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी।